नीम का पत्ता या नीम के जो छाल या और जो भी उसके बीज है या फल है, ये जो है औषधि तत्वों से भरपूर वनस्पति है ना। प्राचीन काल से इसका उपयोग जो है खास तौर से त्वचा के रोगों में किया जा रहा है। तो नीम का स्वरस है यानी उसका रस निकाल के, पत्तों का रस निकाल के अभ्यंतर यानी मुंह से अंदर पिया जा सकता है, या नीम का तेल में उसको वो करके शोधित करके उसका उपयोग भी आप स्किन के जो खुजली है ना, दाद खुजली या जो आपका विवर्चिका होता है उसमें सब प्रयोग कर सकते हैं इसका। और ये खून, आप जो आम बोलचाल में बोलते हैं खून साफ करने वाला यानी एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक गुण से भरपूर रहता है, इससे आपका त्वचा संबंधी रोगों में बहुत अच्छा इलाज। के अलावा ये जो शुगर मधुमेह होता है उसमें भी इसका प्रयोग यदि करें तो ब्लड का जो शुगर लेवल है वो कम होता है ना, तो मधुमेह में भी ये फायदेमंद है। हाँ, दातुन, नीम का दातुन जो है बहुत अच्छा होता है मसूड़ों के लिए। मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है जिसको अपन बोलते हैं पायरिया बोलते हैं, उसके इलाज में मदद करेगा, उसको ठीक करने में मदद करेगा। पत्ते चबाने से वही गुण है जो आप दातुन करने से है ना, पत्ते चबाने से भी वही फायदा मिलेगा जो आप दातुन करने से करते हैं, ठीक है। और उसका जो रस है यदि अंदर जाता है तो उसको जैसे बताया कई बीमारियों में फायदेमंद होता है, त्वचा संबंधी बीमारियों में या आपका जो है मधुमेह में है ना, सब फायदेमंद रहता है इसका।